नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी मेकर डॉट 99 के दूसरे चैनल फैन वाला में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए एसएससी जीडी के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और आज हम आपको वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2021 के सभी क्वेश्चन हमने आपको हल करवाने का वादा लिया है। 2021 में मैथ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी हम आपको सॉल्व करवा देंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और आगे अगर आपको कोई भी डाउट वीडियो के अंदर रखता है तो कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। क्वेश्चन सामने आपके आ गया है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, अगर नहीं आता तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें, आपको क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन की ट्रिक क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या कौन सी है। ठीक है, इसको हम मानेंगे x के मान से। ठीक है, तो आपने माना है बराबर x। ठीक है, x के साथ करेंगे, x इंटू 3/4 का कितना परसेंट दिया है इसमें, 80%। ठीक है, उसके नीचे हम लगाएंगे कितना, 100, और संख्या है आपकी 63। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक्स 63 है तो वह दूसरी संख्या यानी कि संख्या कौन सी है। तो देखिए, 3/4 आपने पहले 63 को इस साइड लाना पड़ेगा। ठीक है, 63 इंटू संख्या को यहाँ पे हम पलट देंगे, तो 3/4 इंटू 100/80, तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए, 4 से आपका 80 कट जाएगा, कितनी बार, 4 दूनी 8, आपका पूरा कट जाएगा। यहाँ पे 3 कट जाएगा आपका पूरा, आप जो जो संख्या आपके यहाँ पे कट रही है उसको आप काट देंगे। ठीक है, जो नहीं कट रही है उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा आपका 105। अगर आपको संख्या काटना है तो मैंने काटना आपको नहीं बताया, वो आपको खुद चॉइस करना है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा काटने में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आने वाला है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया, तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं यहाँ पे। ठीक है, अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आपका दूसरे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका भी बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद 3,420 रुपये में बिक्री वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो इसमें भी आप एक्स मान के करेंगे, यानी कि अंकित मूल्य आपको मानना पड़ेगा कितना, एक्स एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, एक्स के आधार पर हम पूरा सवाल करेंगे। 10% का उसने घाटा लाभ क्या, 10% का उसने दिया अंकित मूल्य पर, तो कितना हो जाएगा आपका 90, कितना हो जाएगा 90। फिर उसने कितने पर दिया, 5%, यानी कि इसी पे 5% का दिया, तो इसी से हम गणना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85। मेन संख्या कितनी है, 3,420। ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि संख्या को पलट देना है, 3,420 इंटू 100/90 इंटू 100/80, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब आपको जो संख्या यहाँ पे कट रही है उसको आप सिंपल तरीके से काट देंगे, यहाँ पे आएगा आपका 85, 85। ठीक है, देखिए कौन कौन सी कट है, कट जाएगा 20 बार आपका पूरा, 19 बार जे कट जाएगा आपका, 0 से 0 कट गया था आपका, यहाँ पे पूरा काट देंगे यहाँ पर 38 बार जे कट जाएगा, 2 बार जे कट गया, 19 आपका, 20 यहाँ पे बचा आपका। ठीक है, तो इंटू 4,000 आप पूरा कर देंगे तो आपका 4,000 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा, एक दो यहाँ पे भी था, इसका भी आपने गुणा किया इसमें, तो एक्स बराबर आपका 4,000 आ जाएगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन पसंद आया है, वीडियो में अच्छा लगा है, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।